Rahim, assalamu alaikum dear students. My name is Kashif and today our lecture is about mutation. ये हमारे chapter का last topic है mutation. तो mutation actually क्या होता है? First of all ये देखें कि हमारे पास एक DNA है. DNA के अंदर क्या है? जीन है. DNA का single part क्या कहलाता है? जीन है. पढ़ लिया जीन सिंगल पार्ट जीन कहलाता है. तो जीन के अंदर स्पॉन्टेनियस अचानक जो है ना म्यूटेशन आ जाए, जीन के अंदर कोई चेंजिंग आ जाए, ठीक है ना. ये सही था. अब इसके अंदर क्या आ गई? म्यूटेशन आ गई, कोई चेंजिंग आ गई, तो ये क्या कहलाएगा? कोई चेंजिंग आ जाएगी तो ये क्या कहलाएगा? म्यूटेशन कहलाएगा. क्लियर? एक्चुअली जो सेल्स हैं, सेल है, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना, या फिर आप कह दें बहुत बहुत ज़्यादा मिकदार में डीएनए पाया जाता है. डीएनए कितना होता है? अगर हम डीएनए को सीधा करें एक सेल के अंदर, जितने भी डीएनए है, जितना भी है, उसको हम सीधा करें तो ये तकरीबन 100 बिलियन किलोमीटर जाकर बनता है. और ये तकरीबन अर्थ से जुपिटर के दरमियान 60 टाइम डिस्टेंस है 100 बिलियन किलोमीटर का. ये और ये एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े डीएनए को एक छोटे से सेल के अंदर समाया हुआ है. अब जो है ना सेल एज यू नो, सेल की दो टाइप्स होती हैं. ये हम मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं. सेल दो तरह के हैं. एक कौन सा? सोमैटिक सेल है. एक कौन सा होता है? जर्म लाइन सेल. सोमैटिक सेल के अंदर अगर म्यूटेशन होती है, अगर क्या होता है, म्यूटेशन होती है, तो वो दूसरे ऑफस्प्रिंग के अंदर पास्ड नहीं होती. जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, उसके अंदर वो म्यूटेशन पास नहीं होगी, वो नहीं जाएगी. तो ये एवोल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर होगी सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन. अगर म्यूटेशन होगी जर्म लाइन सेल के अंदर या सेक्स सेल के अंदर अगर होगी म्यूटेशन, तो ये ऑफ स्प्रिंग के अंदर पास्ड होगी. इससे ऑफ स्प्रिंग में चली जाएंगी. ऑफ स्प्रिंग से फिर जो है ना एवोल्यूशन पर इफेक्ट पड़ेगा. फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो भी आएगी उन पर क्या होगा? इफेक्ट होगा. अब ये जो है ना, इसके अंदर म्यूटेशन की वजह से नेचुरल सिलेक्शन पर जो है ना असरअंदाज होता है. आगे देखें टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. एक कौन सी है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन. और एक कौन सी है? एक है एक्चुअली पॉइंट म्यूटेशन. क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हम डिस्कस करेंगे, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, या फिर कोई पार्ट ऑफ क्रोमोसोम मिस हो जाएगा, या फिर कोई पार्ट ऑफ उस क्रोमोसोम के पार्ट के अंदर कोई और पार्ट जो है ना वो आकर ऐड हो जाएगा. तो ये क्या कहलाता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है. इसकी दो टाइप हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. दो तरह के होते हैं. एक है कि अगर कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है ना क्या हो जाए, ऐड हो जाए, कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए. मतलब ह्यूमन सेल के कितने? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. तो ये कितने हो जाए? 47 या 48 हो जाए. तो ये क्या ये भी किस चीज़ का सबब बनेंगे? क्रोमोसोम म्यूटेशन का सबब बनेंगे. और ये सिंड्रोम का सबब बनेंगे. एक्चुअली ये सिंड्रोम का सबब बनेंगे. सिंड्रोम कौन कौन सी? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है ना, और टर्नर सिंड्रोम हो गया. ये पूरी डिटेल क्लाइन फिल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. पर अगर क्रोमोसोमल नंबर जो है ना वो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो वो किस चीज़ का सबब बनते हैं? वो भी क्रोमोसोमल म्यूटेशन का सबब बनते हैं. और इससे क्या होगी? सिंड्रोम होगी. अगर क्रोमोसोम का पार्ट जो है ना वो क्या हो जाता है, अगर क्रोमोसोम के पार्ट के अंदर चेंजेज आ जाती है, तो वो भी क्रोमोसोमल म्यूटेशन का सबब बनती है. फर्ज क्या? क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम है, इसका ये पार्ट है, इसके अंदर कोई और पार्ट आकर अटैच हो गया, उसके अंदर कोई और क्रोमोसोम का पार्ट जो है ना वो अटैच हो गया, या फिर कोई और अटैच हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंसर्जन कहेंगे. और ये इंसर्जन, दैट इज़ द टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन. डिलीशन, अगर क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है ना डिलीट हो गया, टूट गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिलीशन. और ये भी सीरियस इस कॉन्सिक्वेंस का सबब बनता है. आगे है पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन ये है कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो जीन है, उनके अंदर कोई चेंजिंग आ जाए, या फिर डीएनए के अंदर डीएनए का कोई सिंगल पार्ट जो है ना वो चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे.
अच्छा ये है कि इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जब एक तो ये है कि पॉइंट म्यूटेशन किस दौरान, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के दौरान अचानक बेस पेयरिंग के अंदर चेंजिंग आ जाएगी, बेस पेयर उलट पुलट हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, तो वो भी किस चीज़ का सबब बनेंगे, वो पॉइंट म्यूटेशन का सबब बनेंगे। और दूसरा है कि बाज़ुकात समटाइम जो है ना डीएनए डैमेज हो जाता है, डीएनए डैमेज हो जाता है, डीएनए को डैमेज कौन करते हैं, म्यूटाजन डैमेज करते हैं, कौन डैमेज करते हैं, म्यूटाजन, म्यूटाजन क्या है, दैट आर केमिकल, म्यूटाजन जो है ना वो रेडिएशन है या केमिकल्स हैं, इनकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी, अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है ना, इससे क्या होता है, इससे डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाती है, इससे डीएनए की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, क्लियर। जब डैमेज हो जाएगी तो वो भी किस चीज़ का सबब बनेगी, म्यूटेशन का सबब बनेगी। अब इसके आप पॉइंट म्यूटेशन की आप एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम, तो इसकी दो एग्जांपल हैं, एक सिकल सेल एनीमिया की हम एग्जांपल पढ़ेंगे, एक फिनाइल कैटेनूरिया की एग्जांपल पढ़ेंगे। एक्चुअली हमारे ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, वो है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, किसको लेके जाना, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को लेके जाना, ठीक है। अगर हेमोग्लोबिन के डीएनए के अंदर, बल्कि हेमोग्लोबिन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, हेमोग्लोबिन के अंदर जो है ना, हेमोग्लोबिन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एज यू नो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, ग्लूटामिक एसिड इज एन अमीनो एसिड, उसकी जगह एक्चुअली आ जाता है विलाइन आ जाता है, मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है, विलाइन ले लेता है, तो इससे क्या होता है, इससे म्यूटेशन आ जाती है उसके अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी, तो हेमोग्लोबिन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा जिस तरह पहले, प्रॉपरली क्या, बल्कि हेमोग्लोबिन वही वर्क नहीं करेगा जो पहले कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था, तो अगर म्यूटेशन आ गई है तो वो ऑक्सीजन को लेकर नहीं जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिकल सेल एनीमिया कहलाएगा, क्लियर। ये एंड टर्मिनल पर जो है ना एक्चुअली होता है। आगे है फिनाइल कैटेनूरिया, फिनाइल कैटेनूरिया एक ऐसी जो है ना डिजीज है जिसमें क्या हो जाता है, फिनाइलालेन जो है ना ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिनाइलालेन कैसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिनाइलालेन को जो डिग्रेड करते हैं एंजाइम, जो एंजाइम डिग्रेड करते हैं वो एंजाइम कौन से होते हैं, फिनाइलालेन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम है। अब इनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, इनके अंदर क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, या इनके अंदर चेंजिंग आ जाती है, जब चेंजिंग आ जाती है तो ये एंजाइम प्रॉपरली वो वर्क नहीं करेगा जो करना था, इट मीन इसने फिनाइलालेन को तोड़ना फोड़ना था, डिग्रेड करना था, तो इसने ये डिग्रेड नहीं करेगा, तो जो फिनाइलालेन है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जब एक्यूमुलेट हो जाएगी तो फिर किस चीज़ का सबब बनेगी, फिर सीरियस कॉन्सिक्वेंस का सबब बनेगी, जिस तरह ब्रेन सेल, ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कैमुलेट हो जाता है, तो ब्रेन सेल्स के अंदर कैमुलेट हो जाएंगे, तो ब्रेन के जो डेवलपमेंट है ना वो प्रॉपर तौर पर डेवलपमेंट नहीं होगी इन इन्फेंट के अंदर, या जो आप कह दें बच्चे हैं उनके अंदर, उनके ब्रेन के अंदर, ब्रेन सेल के अंदर ये कैमुलेट हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर डिवेलपमेंट नहीं होगी। जेंटलमैन, आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा है, हमने अबाउट म्यूटेशन, म्यूटेशन के बारे में पढ़ा है, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन किस वजह से होती है, यहाँ पर डिस्कस किया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये वो म्यूटेजन की वजह से होती है, म्यूटेशन की टाइप्स क्या हैं, ये टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, क्रोमोसोमल हो गई और पॉइंट म्यूटेशन होगी, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर हमने डिस्कस किया, और एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ये डिजीज़ देखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम